लकम माई डियर स्टूडेंट इन दिसन विल बी टेक क्वेश्चन ईयर फ्रॉम द टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सो लेट एस स्टार्ट द सेशन क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन का लैंग्वेज आप देखो कितना लंबा लैंग्वेज लिखा हुआ है दैट इज वन प्रॉब्लम विदमेटिक के क्वेश्चन में लैंग्वेज कुछ कुछ मैं लास्ट फ्यू ईयर में बड़ी लंबी लैंग्वेज रही है सो पढ़ना पड़ेगा टाइम लगेगा समझने में सो दैट इज दर एनी वे लो जोस बारोड सम मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड एट सिम्पल इंटरेस्ट रेट ऑफ टेन परसेंट एंड इन्वेस्टेड द इंटायर अमाउंट इन स्टॉक्स सो वी ड नॉट नो की अमाउंट कितना बोरो किया है बट ही इज बोरोड सम अमाउंट एट दिपल इंटरेस्ट रेट ऑफ टेन परसेंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही रिपेड वन फिफ्थ ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर एंड सो वन फिर पूरी स्टोरी हमको दी है सो इंस्टेड ऑफ पूरी स्टोरी पढ़ने के पहले वी लेट एस अज्यूम क्योंकि कोई वैल्यू हमें दिया नहीं है और लास्ट में निकालना क्या हैच मनी डेड ही बोरो यही निकालना ही है सो लेट एस एज्यूम दट टोटल अमाउंट दट ही बोरोड इज इक्वल टू हंड्रेड

बट प्रिंसिपल हमारा ट्वेंटी रुपीज से कम हो जाएगा ट्वेंटी रुपीज से प्रिंसिपल विल बी लेसेंड सो नाउ द प्रिंसिपल विल बी फॉर द प्रिंसिड ईयर एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर प्रिंसिपल इज एटी एंड ऑफ द सेकंड ईयर की बात कर रहे हैं स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर नहीं है ठीक है तो एटी प्रिंसिपल और उस पर एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट कितना होगा टेन परसेंट विच इज एट रुपीज और एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर ही रिपेड हाफ ऑफ द रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट रिमेनिंग परसेंट, विच इज एटी का फिफ्टी परसेंट फोर्टी रुपीज अगेन देन एट द एंड थर्ड ईयर रिमेनिंग प्रिंसिपल इंप्लाईज की फोर्टी रुपीज तो बचा ही था प्रिंसिपल उस पर इंटरेस्ट मिला होगा फोर रुपीज का पूरे ईयर में एंड ही पेड ऑल द इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट उसने तीन साल में पूरा पे कर दिया देन एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर ही पेड द लास्ट थ्री इयर इंटरेस्ट अमाउंट थ्री हुआस में टेन प्लस एट प्लस फोर दैट इज सॉरी टू रुपीज एंड पेड दैट एज वेल एज देर वॉज नो हिज फ्रेंड डिड नॉट चार्ज एनी इंटरेस्ट इन फोर्थ ईयर तो फोर्थ ईयर में क्योंकि इंटरेस्ट नहीं हुआ चार्ज एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर ही सोल्ड स्टॉक्स लेटर ही कैल्क्युलेटेड दैट ही गेंड रुपीज नाइंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आफ्टर पेइंग द प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट टू हिस्स फ्रेंड इफ इज इन्वेस्ट अमाउंट इन द्वीकेम डबल इन्वेस्टमेंट बिकेम डबल यानी कि अगर हंड्रेड रुपीज़ उसने इन्वेस्ट किया था तो अमाउंट बिकेम टू हंड्रेड रुपीज टू हंड्रेड रुपीज़ टोटल अमाउंट बन गया और ये सारे उसके कॉस्ट है कॉस्ट टोटल कितना हुआ हंड्रेड रुपीज़ प्रिंसिपल प्लस ट्वेंटी टू यानी कि माइनस वन ट्वेंटी टू तो रिमेनिंग इसवेंटी एट रुपीज़ इफेक्टिवली और सेवेंटी एट रुपीज़ या सेवेंटी एट यूनिट्स की वैल्यू कितनी है नाइन्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एज सो और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है हंड्रेड यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है सो और आंसर विल बी नाइन सेवन फाइव डबल जीरो टू हंड्रेड बाई सेवेंटी एट दिल बी द वैल्यू ना बाई द लुक्स ऑफ इट यू कैन थिंक ऑलमोस्ट वन पॉइंट टू फाइव टाइम्स आएगा ए बी सी तो नहीं हो सकता दिस विल भी अप्रोक्सीमेटली अराउंड वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एक्जैक्टली आएगा कि नहीं आएगा यह तो भी चेक करना पड़ेगा बट इतने से इतना तो समझ में आ रहा है कि अराउंड वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के बराबर आ रहा है ठीक है अब सेवेंटी एट हमारा सेवेंटी एट थर्टी नाइन इंटू टू है और ये वैल्यू कितना आ रहा 78 कितना है 78 एट और इसमें डिफरेंस कितना है 78000 एट थाउजेंड और इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है नाइनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का नाइनटीन पॉइंट फाइव नाइनटीन फर दस सेवेंटी सिक्स प्लस एट यस तो अगर हम सेवेंटी एट से इसको सब्ट्रैक करते हैं मतलब कि काटते हैं सो दिस बिकम्स दिस विल बी फोर ठीक है फोर एंड नाइनटीन पॉइंट फाइव से फोर टाइम्स गया और ये वैल्यू गया हमारा 19.5 पॉइंट फाइव से नाइनटीन पॉइंट फाइव से काटना थोड़ा सा मुश्किल काम है सो दिस दिसव थाउजेंड टाइम्स ओके सो द वैल्यू आ गया फाइव लैख डिवाइड बाई फोर ऑप्शन डी क्लियरली ओके ठीक है बट बाय दुक्स ऑफ इट अगर नीज नहीं दिया होता तो हम स्टेट में टिक कर देते ऑप्शन डी को फिर इसके बाद सोचते नहीं ऑप्शन ए बी सी तो क्लियरली आंसर नहीं थे नेक्स्ट क्वेश्चन मोहन हैज सम मनी समुपीज एम दैट ही डिवाइड्स इन द रेशियो ऑफ वन डू नॉट नो रुपीज एम अगेन और हमें वैल्यू ऑफ एम ही पूछा है लास्ट में तो वर्ष टू के रेशियो में डिवाइड कर, कर रहा है तो हंड्रेड को डिवाइड करेंगे में, तो एम तो को मान लेते हैं थ्री हंड्रेड और डिवाइड कर रहा है तो हंड्रेड और टू उसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया वर्ष टू में ही देन डिपॉजिट्स द स्मॉलर अमाउंट इन सेविंग स्कीम दैट ऑफर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है स्मॉलर अमाउंट को उसने किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट की सेविंग स्कीम में डिपॉजिट कर दिया एंड द लार्जर अमाउंट ऑफ दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट सो रेट ऑफ इंटरेस्ट हिस्सर इज टू आर परसेंट एंड हियर दिस इज आर परसेंट बोथ इंटरेस्ट आर कंपाउंडेड इयरली एनुअली कंपाउंडिंग एनुअल है और कंपाउंड इंटरेस्ट है दोनों के दोनों एट द एंड टू इयर द टोटल इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द टू सेविंग स्कीम रुपीज एट थ्री जीरो ठीक है बट हमें आर टू आर की वैल्यू तो नहीं पता है इट इज नोन दैट वन ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स इज टेन परसेंट वेरी क्रूशल इन्फॉर्मेशन दैट मोहन डिपॉजिटेड मोर देन रुपीज सेविंग्स स्कीम दैट आल्सो इजो टेन परसेंट हमारा इंटरेस्ट रेट्स है तो केस uh, दोनों केसेस हम कैलकुलेट कर लेते हैं so अगर पहला वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टेन परसेंट टूर्स का है टू इय में कितना हो जाएगा ट्वेंटी वन परसेंट तो 100 रुपीज का ट्वेंटी हो जाएगा That be 21 रुपीस, क्योंकि इंटरेस्ट की करनी है इंटरेस्ट आ रहा टेन पॉइंट टू फाइव परसेंट और टू हंड्रेड का टेन पॉइंट परसेंट कितना होगा टेन परसेंट होगा ट्वेंटी वन परसेंट होगा टू पॉइंट टू फाइव होगा पॉइंट फाइव ठीक है टेन परसेंट होगा कितना हो ना ना वन पॉइंट फाइव एक सेकेंड टेन परसेंट होगा ट्वेंटी और फिर पॉइंट फाइव परसेंट विल भी वन परसेंट है टू पॉइंट फाइव पॉइंट टू फाइव निकालना है ना हाँ पॉइंट फाइव तो ट्वेंटी पॉइंट फाइव सो दिस टोटल अमाउंट विल बी फोर्टी वन पॉइंट फाइव रुपीज और क्लियरली ये मल्टीपल निकल रहा है हमारा एट थर्टी ट्वेंटी टाइम्स जा रहा है स्ट्रेट अवे बट एक बार सेकंड वाले को भी चेक कर लेते हैं वहाँ पे आना तो नहीं चाहिए आंसर एग्जाम में तो उतना टाइम नहीं रहेगा तो स्टेट ऑफ हम मार्क कर देंगे इसके बाद में बट स्टिल एक बार चेक जरूर कर लेते हैं चेक जरूर कर लेते हैं बिकॉज इन वैल्यू से दिख नहीं रहा है वहाँ पर स्टेट ऑफ फैक्टर बन रहा है और इतना आसान है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट नहीं है तो फोर्टी फोर परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा ट्वेंटी परसेंट से टू ईर्यस में हंड्रेड पे तो फोर्टी फोर परसेंट से फोर्टी फोर रुपीज़ हो जाएगा इंटरेस्ट और टेन परसेंट से ट्वेंटी वन परसेंट हो जाएगा सो ट्वेंटी वन इंटू टू दैट विल बी फोर्टी टू सो फोर्टी फोर प्लस फोर्टी टू इज एटी सिक्स एटी सिक्स इज डेफिनेटली नॉट अ फैक्टर ऑफ एट थर्टी और स्टेट अब यहाँ पे ट्वेंटी वैल्यू आ रहा है और ट्वेंटी वैल्यू आ रहा है तो दोनों अमाउंट को ट्वेंटी से मल्टीप्लाई कर तो टोटल अमाउंट हमारा है वन हंड प्लस टू हंड्रेड दट इज थ्री हंड्रेड रुपीज सो आंसर बी थ्री हंड्रेड इन टू ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड रुपीज़ टोटल प्रिंसिपल में भी ऑप्शन बी और जो लास्ट कंडीशन है हमारी इसी लिए दी है इसको सेटिसफाई कर रहा है क्लियरली तो वन थाउजेंड से बड़ा अमाउंट है क्लियर ओके बिकॉज सेकेंड वाले केस में अगर हम इसको इक्वेट करते तो अमाउंट हमारा एक अमाउंट वन थाउजेंड से कमाया जाएगा

कैलकुलेट करनी पड़ेगी ठीक है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इज ट्व परसेंट पर अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट नियरेस्ट टू नियर रुपीज सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है सच क्योंकि कहीं पर भी कंपाउंडिंग के बारे में बात नहीं किया सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट है ठीक है इंस्टॉलमेंट In वाले केसेस बहुत सिंपल केसेस होते हैं बस आप प्रॉपरली अगर उसके कॉन्सेप्ट को समझ लो हमेशा आप कर रहा क्या है सिंपल इंटरेस्ट पहले समझ लेते हैं फिर एक छोटा सा एग्जांपल लेके कंपाउंड भी समझ लेंगे सो so दैट कोई दिक्कत ना रहे उसमें यहाँ पे क्या है या तो वो ट्वेंटी नाइनटीन थाउजेंड टू हंड रुपीज कैश पेमेंट देता या फिर फोर थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज कश की डाउन डाउन पेमेंट दे रहा है और बाकी पांच इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे रहा है तो इफेक्टिवली डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है दूसरे केस में डाउन डाउन पेमेंट दे रहा है फोर थाउजेंड एट हंड्रेड तो डिफरेंस आ रहा है फोटी फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज़ का सो दिस इज द अमाउंट जिसपे की इंस्टॉलमेंट बन रही है दिस इज द अमाउंट जिसपे की इंस्टॉलमेंट बन रही है और कितनी पांच मंथली इंस्टॉलमेंट बन रही है सो लेट अस से अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट्स इज एक्स एक्स है अमाउंट ठीक है सो अमाउंट इज एक्स एक्स मान लो या हंड्रेड मान लो जिस भी वैल्यू से कंफर्टेबल हो कोई दिक्कत नहीं है दोनों ही केसेस में सो लेट अस से अमाउंट है हमारा इंस्टॉलमेंट का फाइव इंस्टॉलमेंट्स है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट मंथ के एंड में होगी सेकंड सेकंड मंथ के एंड में थर्ड थर्ड मंथ के एंड में फोर्थ फोर्थ मंथ के एंड में और फिफ्थ फिफ्थ मंथ के एंड में अब इंस्टेड ऑफ पांच इंस्टॉलमेंट समझने के ऐसा समझो अगर हमें सारा का सारा अमाउंट पांच मंथ के एंड में ही पे करना पड़ता है तो कितना अमाउंट हम पे करते फ वी हैड टू पे ऑल द अमाउंट एट द एंड ऑफ द फाइव मंथस ट्वेल्व परसेंट पर एन एम इंटरेस्ट रेट है सिंपल इंटरेस्ट है तो फाइव मंथ में कितना इंटरेस्ट लगेगा फाइव परसेंट फाइव परसेंट इंटरेस्ट लगेगा फाइव मंथ में तो फोर्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड पर कितना इंटरेस्ट लगता फाइव मंथ के एंड में फाइव परसेंट लगता दिस अमाउंट वुड है अमाउंट पेबल एट द एंड ऑफ फाइव मंथ्स

क्योंकि एट द एंड ऑफ सेकंड मंथ पे कर रहे हैं इस पर तीन महीने का इंटरेस्ट लगता तो दिस वुड हैव बिकम वुड पॉइंट जीरो थ्री एंड दिस वुड हैव बिकम 1.01x पॉइंट जीरो लास्ट वाली तो एक्स ही रहेगी तो टोटल हो गया ये फोर पॉइंट वन जीरो एक्स सॉरी फाइव पॉइंट वन जीरो बिकॉज लास्ट वाला भी तो है सो फाइव पॉइंट वन जीरो एक्स फाइव पॉइंट वन जीरो एक्स एंड दैट इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो फाइव इन वन फोर फोर डबल जीरो डेसिमल हट गया यहाँ से भी हट गया सो एक्स विल बी इक्वल टू फाइव से पहले काट ले गया दिस विल बी ट्वेंटी वन दिस विल बी वन जीरो टू और फिर फिफ्टी वन सेवन टू डबल जीरो अभी और कटेगा सेवनटीन से तो नहीं कटेगा बट थ्री से तो कट रहा है सेवनटीन बचा और ये आ गया टू फोर डबल जीरो सो अमाउंट इज टू फोर डबल जीरो इन ट्वेंटी वन बाई सो ये क्या वैल्यू आ जाएगा ट्वेंटी फोर इंटू ट्वेंटी वन एट्टी फाइव जीरो फोर तो फिफ्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड डिवाइड बाई सेवेंटी थ्री थाउजेंड से थोड़ी कम वैल्यू आ रही है बट कई ऑप्शन हैं वैसे कई सारे ऑप्शन हैं वैसे तो एक्जैक्टली exactly कैलकुलेट कर लेते हैं कितना थर्टी है फोर बचा सिक्सटीन सिक्सटी फोर सेन फिफ्टी थ्री फिफ्टी थ्री ठीक है फिर अप्रोक्सीमेटली फाइव आ रहा है टू नाइन सिक्स फाइव रुपीज ऑप्शन ए विल द आंसर फॉर दिस केस इज़ इट क्लियर ठीक है तो हमने सारी की सारी वैल्यूज़ को एंड में लेके आ गए कभी भी स्टार्ट में लेके जाने की कोशिश नहीं करनी है ठीक है बिकॉज वहां पे कैलकुलेशन गलत हो जाएंगी गड़बड़ हो जाएगा मामला स्पेशली सिंपल इंटरेस्ट में तो पक्का गड़बड़ होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में तो वो स्टार्ट वाला भी चीज़ चल जाता है बट इसलिए हम कोशिश यह करेंगे चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो सारी चीज़ों को आखिर में लेके आएंगे कि पाँच महीने के बाद में सिचुएशन हमारा क्या बना कितना अमाउंट हमको पेबल पे करना पड़ता अगर सारा अमाउंट एक साथ पे करते और अगर इंस्टॉलमेंट अलग अलग दे रहे हैं तो वो इंस्टॉलमेंट भी अगर हम लास्ट में ही देते सारी के सारी, सारी एक साथ तो हम टोटल अमाउंट कितना पे करते दोनों सेम आएगा दोनों सेम आना चाहिए दोनों सेम आना चाहिए ठीक है एक्चुअल में वो पेपर वर्क वाला जो कॉस्ट और, और थोड़ा बहुत कॉस्ट होता है वो एडिशनल एड हो जाता है इंस्टॉलमेंट में अदरवाइज दोनों सेम आता है क्लियर है ठीक है सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द इंस्टॉलमेंट्स इन केस ऑफ अ सिंपल इंटरेस्ट सिनारियो और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का सिनारियो होगा तब क्या करेंगे तो एक छोटा सा उसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं वो भी समझ लेते हैं साथ में ही बिकॉज उसका क्वेश्चन नहीं है इसलिए उसको साथ में फटाफट से समझ लेते हैं डेस्ट से टेन थाउजेंड रुपीज होता ठीक है टेन थाउजेंड रुपीज का उसका उसने कोई आइटम परचेज किया है एंड ही हैज टू पे द अमाउंट इन थ्री इक्वल इंस्टॉलमेंट्स डाउन पेमेंट वाउन पेमेंट को छोड़ते हैं अभी के लिए वो तो वैसे ही एडजस्ट हो जाएगा ठीक है थ्री इक्वल इंस्टॉलमेंट्स से उसको पे करना है एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है आर है टेन परसेंट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली उंडेड एनुअली और हमें इक्वल इंस्टॉलमेंट्स की वैल्यू निकालनी थ्री इक्वल इंस्टॉलमेंट अगर कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं बनती तो क्या होता तो कितना पड़ता so, है थ्री इय इंटरेस्टर्टी थ्री टेन परिणाम थर्टी पर थ्री इक्वल इंस्टॉलमेंटर्स इंस्टॉलमेंट एक्स एक्स एंड एक्स लास्ट वाला जो एक्स है ये तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ही हो रहा है तो इस पर तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा so, तो बट जो पहला वाला है एट दफ फर्स्ट ईयर है तो इस पर दो साल का इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ टेन परसेंट पर नम तो कितना हो जाएगा इफेक्टिवली दिस विल बिकम वन पॉइंट टू वन एक्स एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर है लिख सामने रहे हैं बट एक्चुअल में एट द एंड ऑफ थर्ड इयर कलकुलेट कर रहे हैं जो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईर हमने इंस्टॉलमेंट पे किया इस पर एक साल का इंटरेस्ट लगेगा सो दिस विल बिकम वन पॉइंट वन एक्स और ये वैसा का वैसा ही रहेगा टोटल हो गया ये वन प्लस थाउजेंड थ्री हंड्रेड टेन सो एक्स विल बी इक्वल टू वन थ्री थ्री वन जीरो कैलकुलेशन करना है हमको क्लियर है ठीक है कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली वो कैलकुलेट करना पड़ेगा फोर थाउजेंड से तो बड़ी वैल्यू आएगी बिकॉज फोर थाउजेंड पे दिस इज ट्वेल्व थाउजेंड थर्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड हाँ तो अगर ये फोर थाउजेंड आता तो थर्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड और फिर फोर थाउजेंड फोर्टी थर्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी आ रहा है फोर थाउजेंड रुपीज़ पे इंटू थ्री पॉइंट थ्री वन आ रहा है थर्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी बचा कितना है एट्टी बचा तो अराउंड एट्टी के लिए अगर हम ट्वेंटी फाइव ले लें अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी फोर तो फोर थाउजेंड ट्वेंटी फोर रुपीज़ के आसपास की वैल्यू आ रही है क्लियर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू थाउजेंड फोर अ पर्सन इन्वेस्ट सम अमाउंट इन अ बैंक

अक्यूलेटर इंटरेस्ट हुआ टेन थाउजेंड टू थाउजेंड टेन की बिगनिंग में एक्मलेटर इंटरेस्ट हुआ ट्वीट फाइव थाउजंड बेसिकली कितने इयर का गैप है थ्री थ्री ईयर का गैप है टू थाउजेंड फोर से टू थाउंड सेवन और फिर टू थाउजेंड सेवन से टाउंड टेन सब बिगनिंग की कहानिया है यानी कि तीन तीन साल का ही गैप है रिजन डेट सो एक्जैक्टली थ्री ईयर का गैप है एक्जैक्टली थ्री ईयर का गैप है रिजन डेट्स सो तो एक तरह से ये समझो जब हम कंपाउनर से बात करते हैं तो इनिशियल अमाउंट अगर हमारा पी है तो आफ्टर थ्री इयर्स क्या सिनारियो बनेगा आफ्टर थ्री इयस दिस विल बिकम टोटल अमाउंट

अगेन टाइम पीरियड सेम है पी तो पी ही रहेगा और इस पी पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा थिंक अबाउट इट पी पे इंटरेस्ट अगर हमको तीन साल में टेन थाउजेंडेंडेंडेंडेंड मिला है प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट पी यानी प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट अगर हमें तीन साल में टेन थाउजेंड मिला है तो टू थाउजेंडेंड सेवन से टू थाउजेंड टेन तक भी प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट टेन थाउजेंड ही मिलने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है डिफरेंस ये होता है कि सिंपल इंटरेस्ट वाली ये कहानी तो चलती है प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट तो हमेशा सेम रहता है बट ये जो इंटरेस्ट योजुलेट होता है हमारा उस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट पे भी हमको इंटरेस्ट मिलता है उस उसके्यूमुलेटेड इंटरेस्ट पे भी हमको इंटरेस्ट मिलता है तो इफेक्टिवली टोटल इंटरेस्ट एक्यूमलेट कितना है दैट इज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो हमारा ऑलरेडी प्रिंसिपल प्लस टेन थाउजेंड तो पहले ही हो चुका था ये तो पहले ही हो चुका था अब हमको प्रिंसिपल पे टेन थाउजेंड तो मिला ही होगा पक्की बात है और साथ में इस टेन थाउजेंड पर भी कुछ इंटरेस्ट मिला होगा कितना मिला है बताओ तो अगर टोटल ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इंटरेस्ट एक्यूमलेट हुआ है टेन थाउजेंड पहले ही मिल चुका था प्रिंसिपल पे टेन थाउजेंड अब थ्री इयर्स में मिला है प्रिंसिपल पे तो बचा कितना फाइव थाउजेंड टोटल ट्वेंटी फाइव थाउजेंड हो गया बचा फाइव थाउजेंड ये फाइव थाउजेंड किस पे मिला है ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला है हमको टेन थाउजेंड पे थ्री ईर्यर में हमको इंटरेस्ट मिला है इज इट क्लियर टेन थाउजेंड पर थ्री ईयर पर हमको इंटरेस्ट मिला है और ये क्यों निकालना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें ये समझ में आ गया कि टेन थाउजेंड पर थ्री ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला है फाइव थाउजेंडी रेट ऑफ इंटरेस्ट का कितना होगा फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट थ्री ईयर्स में फिफ्टी परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है हमको इज इट क्लियर तो अगर इतनी सी बात समझ में आ गई एंड वी नो कि थ्री ईयर में प्रिंसिपल पे हमें इंटरेस्ट मिला है टेन थाउजेंड रुपीज तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा फिफ्टी परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे भी तो मिला होगा प्रिंसिपल डबल रहा होगा इसका ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज ऑप्शन सी क्लियर है ठीक है तो प्रिंसिपल ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज ऑप्शन सी क्लियर है ये मोडस सपरेटली समझ में आ गया मोड मेथड समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन आसान है फिर इज इट क्लियर ओके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मिस्टर मेहरा इज प्लानिंग फॉर हायर एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ इज टू सन्स एजड 15 एंड 12। मिस्टर मेहरा प्लान कर रहा है प्लानिंग फॉर एजुकेशन हायर एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ इज टू सन्स एजेड 15 एंड ही प्लान टू डिवाइड रुपीज फिफ्टीन लैक्स इन टू इक्वल पार्ट्स दो इक्वल पार्ट में प्लान कर रहा है डिस्ट्रीब्यूट करेगा यानी कि सेवन पॉइंट और सेवन पॉइंट दो अमाउंट में ब्रेक कर दिया हमने इक्वल अमाउंट में एंड इन्वेस्ट इन टू डिफरेंट प्लान सच दैट सच दैट हज सन्स मे हैव एक्सेस टू रुपीज ट्वेंटी ईच वन दे रीच द एज ऑफ जब वो 21 वो वन ईयर्स की एज को अचीव करें तो उनको ट्वेंटी वन लाख रुपीज ईच मिल जाए दैट इज वट इज कंसर्न इज ही इज लुकिंग फॉर प्लान दैट विल गिव हिम अ सिंपल इंटरेस्ट पर नाम सिंपल इंटरेस्ट चाहिए सिंपल है कहानी यहाँ पे द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द द्लान्स फॉर इज यंगरस एंड एल्डर सन शुड भी अब यहाँ पे देखो ऑप्शन को ऑब्जर्व करो ऑप्शन सारे क्या है ऑप्शन सारे डिफरेंट है सब में हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है फाइव एट टेन फिफ्टीन ट्वेंटी तो यानी कि हम यंगर और एल्डर में से किसी भी एक सन के लिए आंसर निकाल लें हमारा आंसर हमको मिल जाएगा यूनिक आंसर मिल जाएगा तो दोनों के लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है सच सेवन पॉइंट फाइव लाख रुपीज से वो स्टार्ट कर रहा है और एंड में उसको चाहिए लाख कि इंटरेस्ट कितना हट गया फिफ्टीन से काटा ऊपर आया हमारा सेवन ऊपर आयान आया और नीचे आया फाइव नाइन बाई फाइव यानी कि वन एटी परसेंट वन एटी परसेंट है ठीक है और जो यंगर बच्चा है ट्वेल्व भी का है ट्वेल्व बी का है यानी कि नाइन ईयर्स के बाद में ट्वेंटी वन ईयर का होगा और सिंपल इंटरेस्ट एल्डर्स तो अगर नाइन ईयर्स में वन एटी परसेंट चाहिए तो एक साल में कितना चाहिए अगर नाइन ईयर्स में वन एटी परसेंट चाहिए तो एक साल में चाहिए होगा ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट चाहिए होगा तो आंसर होगा ऑप्शन ई और ये एल्डर के लिए बात करते हैं तो एल्डर फिफ्टीन ईयर्स का था वो सिक्स ईयर्स के बाद में होगा ट्वेंटी वन ईयर का तो वन एट्टी बाई सिक्सटी थर्टी परसेंट किसी भी एक के लिए कैलकुलेट कर लो कि आंसर अपना मिल जाएगा क्योंकि सारे ऑप्शन डिफरेंट है ऑप्शन ई इज़ द आंसर क्लियर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन मैन बोरोज रुपीज सिक्स थाउजेंड एट फाइव परसेंट इंटरेस्ट ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर इफी रिपेज रुपीज ट्वेल्व ट्वेल्व हंड्रेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर फाइंड द अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग इन रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर में अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग कितना रहा होगा बोरो किया है कितना सिक्स थाउजेंड रुपीज तो स्टार्ट में बिगिनिंग में अमाउंट सिक्स थाउजेंड फाइव परसेंट इंटरेस्ट ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस यानी बैलेंस कम होगा हर साल के एंड में जितना अमाउंट कर देगा उतना बैलेंस हमारा कम हो जाएगा तो so, पे कितना इंटरेस्ट हो जाएगा फाइव परसेंट से एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट हो जाएगा थ्री हंड्रेड रुपीज तो ये तो एड हुआ और साथ में रुपीज वो इसमें से पे कर देगा तो सिक्स थाउजेंड प्लस ट्वेल्व हंड्रेड ईयर के स्टार्ट में फाइव वन डबल जीरो होगा स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर फाइव वन डबल जीरो हुआ अब इस पर फाइव परसेंट मिलेगा इंटरेस्ट कितना होगा या पे करना पड़ेगा बोरो किया है क्योंकि तो फाइव परसेंट कितना होगा फाइव हंड्रेड टेन बाई टू यानी टू फिफ्टी फाइव एंड ही विल पे ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज ठीक है तो ट्वेल्व हंड्रेड कम करके कितना होगा थ्री नाइन डबल जीरो प्लस टू फिफ्टी फाइव यानी कि फोर वन डबल फाइव रुपीज एट थर्ड ईयर और बस क्वेश्चन यही तो पूछ रहा था तो खत्म हो गया सवाल और क्या करना है इसमें ऑप्शन सी ओके ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं कुछ मुंगेरी लाल टू इन्वेस्टमेंट प्लान ए एंड बी टू चूज फ्रॉम दो प्लान है ए और बी प्लान ए ऑफर करता है इंटरेस्ट ऑफ टेन परसेंट कंपाउंडेड एनुअली वाइल प्लान बी ऑफर्स इंटरेस्ट ऑफ ट्वेल्व परसेंट पर एनम टिल हाउ मेनी ईयर्स इज प्लान बी अ बेटर इन्वेस्टमेंट ट इज द क्वेश्चन तो प्रिंसिपल है वो तो नहीं है इन्वेस्टमेंट क्या मिल रहा है टेन परसेंट प्लान ए में इंटरेस्ट मिल, मिल रहा है कंपाउंडेड एनुअली और प्लान बी में मिल रहा है ट्वेल्व परसेंट पर एनम ठीक है ट्वेल्व परसेंट पर एनम विच इज सिंपल इंटरेस्ट सो ए बात करते हैं और ईयरस लिखते हैं ईयर वन ईयर टू ईयर थ्री ईयर फोर ईयर फाइव एंड सो वन ईयर वन में हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं होता है तो ए पे मिला हमें टेन रुपीज टेन परसेंट टेन रुपीज लिख दिया हमने ठीक है और बी पे मिलेगा ट्वेल्व रुपीज बी पे ज्यादा मिल रहा है बी इज ए बेटर प्लान फॉर द फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में क्या होगा टेन रुपीज फर्स्ट ईयर में मिला था दो साल का कैलकुलेटर इंटरेस्ट कितना होगा ट्वेंटी एंड दिस वी ट्वेंटी फोर यहां तो सीधी कहानी है ट्वेल्व ट्वेंटी एट सिक्सटी एंड सो ऑन यहाँ की कहानी तो सीधी है ऊपर हमें पता है टेन परसेंट इन वन ईयर टू ईयर में ट्वेंटी वन परसेंट थ्री में होगा थर्टी थ्री पॉइंट वन परसेंट ईयर्स में फोर्टी सिक्स पॉइंट फोर वन परसेंट फाइव ईयर की वैल्यू exactly एक्जैक्टली पता नहीं है तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं फोर्टी सिक्स पॉइंट फोर वन परसेंट इंटरेस्ट तो हो गया टेन परसेंट तो मिलेगा ही मिलेगा जो कि प्रिंसिपल भी मिल रहा है ठीक है प्रिंसिपल भी मिल रहा है और ये जो हमारा इंटरेस्ट एक्मलेट हुआ है फोर ईयर में इस पर भी तो इंटरेस्ट मिलेगा इसका टेन परसेंट दैट विल बी फोर पॉइंट सिक्स फोर वन परसेंट तो टोटल कितना हो गया सिक्स प्लस फोर इज टेन ठीक है टेन हो गया प्लस यहां से भी हमें वैल्यू मिल रहा है सो दिस इज अराउंड फिफ्टी सिक्स सिक्सटी सिक्सटी वन पॉइंट जीरो इज ग्रेटर देन सिक्सटी सो अभी तक फोर ईयर्स तक प्लान बी वॉज अ बेटर इन्वेस्टमेंट प्लान बी वॉज अ बेटर इन्वेस्टमेंट बट फिफ्थ ईयर में प्लान ई इज द ए इज द बेटर इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली फोर इयर तक हमारा प्लान बी इज बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बी इज द एक्चुअल आंसर टिल हाउ मेनी ईयर इज प्लान बी अ बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इज इट क्लियर ठीक है सो दीज आर ऑल द क्वेश्चन ऑफ सिंपल एंडस्टर कंपाउंडर्स दैट एव अपियड इन दैट इन प्रीवियस ईयर आई बिलीव सेशन आपको पसंद आएगा हाँ, क्वेश्चन समझ में आएंगे अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट फिर भी रह गया हो तो यू कैन ऑलवेज कमेंट आई विल ट्राई टू जो दैट एज वेल सो दैट्स द एंड ऑफ द सेशन अगर सेशन पसंद है हाँ, तो उसको लाइक जरूर करना है अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा एंड दैर इस डाउट वाट्स ओर वॉट्स और कितना ही बेसेक क्यों हमेशा डाउट जरूर पूछ लिया करो ओकेफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम तो यू कैन मैसेज मी माई टेलीग्राम आई डी दैट इज ए डी आई टीवाई ए के टी सो दैट इज माई टेलीग्राम आई डी एंड यू कैन ऑल्सो ई मेल मी एट ए डी आई टी वाई ए डॉट आई आई टी के एट द रेट जी मेल डॉट कॉम बट ई मेल ज्यादा मत करना अभी क्योंकि ई मेल बॉक्स फुल ही है ऑलमोस्ट ठीक है तो टेलीग्राम आई डी पर कनेक्ट करो दैट वुड बी मच बेटर बट इन एक्सेप्शन केसेज यू कैन ऑलवेज कनेक्ट बाई मेल एज वेल So that's all from my end. Bye bye. Take care.